सबसे पहले जो आज का आपका जो प्रोग्राम है, खासतौर पे जो ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन की जो जिम्मेदारी थी पूरी करते हुए आप लोगों ने सहाफियों के लिए और ऐसे सोशल एक्टिविटीज के लिए जो भी कारनामे नुमा अंजाम दिए, उसकी कुछ एक ऐसी बात जो जिससे जो ना उनका कुछ खराब हो सके, क्या काम आप लोग कर रहे हैं और क्या आपके आइंदा फ्यूचर प्रोग्राम्स क्या है? ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के उसके एक्टिविटीज आज अजर मिन शम्स है, और इस मंच पे जो बैठे हुए है ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर जनाब शेख रहमत अली साहब, और एसोसिएशन के एक जिम्मेदार मारूफ वकील अफसर खान साहब, ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन कायम होकर तकरीबन 14-15 साल हो रहे हैं, और मुसलसिल 15 प्रोग्राम्स हमारे हो चुके हैं, और इस प्रोग्राम के जरिए हम तमाम आवाम के लिए, आवाम की भलाई के लिए, और मीडिया की जो जिम्मेदारी है, सहाफियों की जो जिम्मेदारी है, उसको हम उजागर किए, और जो सहाफी है उनको बताए कि आपका जो क्या काम है आपका, आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, मजलूम का साथ दीजिए, और हुकूमतें जो वादा करती है आवाम के साथ, उन वादों को याद दिलाइए, ये काम हमारा है। इस काम को उजागर करने के लिए हमने कई प्रोग्राम्स किए, 14-15 प्रोग्राम किए। उसके बाद आवाम के अंदर कुछ मसाइल थे, हैदराबाद शहर सारी दुनिया में एक अमन, शांति, भाईचारगी के लिए गंगा जमुनी तहजीब के तौर पे माना जाता था, लेकिन हालिया कुछ अरसों में यहाँ पे ड्रग्स, नशा, कत्ल, गारतगिरी एक धूम मचा हुआ है, जिसे आज पूरे मुल्क में हैदराबाद का नाम खराब हो रहा है। इस जानिब भी, इस बुराई को खत्म करने के लिए भी हम लोग ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ नौजवानों को अवेयरनेस लाने के लिए एक बहुत बड़ा क्रिकेट का प्रोग्राम भी हम लोग मुनाकिद किए थे गुज़िश्ता साल, के ड्रग फ्री और स्पोर्ट सिटी के नाम पे, जिसमें 8-10 टीमें थे, जिसमें डॉक्टर्स की टीम थी, लॉयर्स की टीम थी, नौजवानों की टीम थी, सोशल एक्टिविटीज की टीम थी, वकीलों की टीम थी, मीडिया की टीम थी, और हमारा पैगाम बेहतरीन तौर पर फैला। कई नौजवान स्पोर्ट्स की तरफ रागिब भी हुए। सहाफियों के लिए कोई मदद नहीं है, सरकार, पुरानी सरकारें और नई सरकारें सिर्फ वादे कर रहे हैं, उनका एक वादा भी कोई पूरा नहीं हुआ आवाम के साथ। सहाफियों को वो तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए, कोई इमदाद नहीं है। एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के लिए भी कोई इमदाद नहीं करते वो लोग। एक जर्नलिस्ट, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट था, गुर्दों से मुतासिर था, वो गुहार लगा लगा कर सरकार से अपनी जान दे दिया, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी एसोसिएशन की जानिब से हमने एक छोटी सी रकम की, उसको मदद की, हम लोग 1 लाख की मदद की, तो उसके बाद हम देखे कि नहीं, अब ये हमारे सहाफियों के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। हम सोचे कि सहाफियों के लिए उनके साथ सोशल एक्टिविटीज भी जो है वो लोग भी काम करते हैं, उनके लिए भी हम कुछ करेंगे, तो बैठ के बात करें। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि दवा खानों की से रब्ता कायम किए, 2-3 दवाखाने आए हमारे साथ, वो लोग चूंकि हमारे एक्टिविटीज से अच्छी तौर पर वाकिफ थे, हमारी कारकर्दगी से, ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जितने भी एक्टिविटीज थे वो लोग वाकिफ थे, वो लोगों ने कहा कि भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बोलिए हम क्या कर सकते सहाफियों के लिए, सोशल सामाजिक कारकुन जो है जाहिरकारों के लिए क्या कर सकते हैं? बोले भाई आप बोलिए कि इन लोगों के लिए आप कितनी मदद कर सकते हैं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो किसी दवाखाने ने, अपने मैत्री हॉस्पिटल ने कहा कि हम 20-25-30% जो भी देंगे। फिर एक आंखों का दवाखाना है अकबर हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि हम भी देंगे। तो उसके बाद सारी चीज़ें हुए, और उसके लिए हम लोग फिर एक निज़ाम बनाए, उसके लिए कार्ड बनाए कि एसोसिएशन के जो मेंबर है उनको हम ये कार्ड देंगे, और वो कार्ड लेकर ये 2 दवाखानों को जाएंगे, तो
तो उनको 25-30% तक उनको रियायत मिलेगी। सर मेरा सवाल ये है कि जो बेहतरीन काम है आप लोग जो ना सेहत के हवाले से सेहत के शोबे में खासतौर पे जर्नलिस्टों और सोशल एक्टिविटीज के नाम से जो भी काम कर रहे हैं भाई उसका तरीकेकार क्या है, आप जो कार्ड इशू कर रहे हैं उससे क्या क्या फायदे हैं और कितने लोगों को कितने सोशल एक्टिविटीज और कितने जर्नलिस्टों को आप उसका इजराई मन में लाई जा रही है। हफ्ते में थे हमारे सुशन के मेंबर्स तकरीबन 100 के करीब, उनके कार्ड तैयार हो चुके हैं, अभी हम कुछ कार्ड तकसीम भी करेंगे और उस कार्ड के जरिए जब वो दवाखाने में जाएंगे तो उनको तमाम लेवल पर हर लेवल जितना जो रहता है उसका बुखार से लेके बड़ी बड़ा अगर खुदा ना खासा अगर किसी को है कोई बड़ी जो मुसीबत भी लाख है तो उसके लिए भी वो दवाखाने वाले उनको पूरा पूरा रियायत देंगे। मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे आपने जिक्र किया कि जो है ना हुकूमत की जानिब से सोशल एक्टिविटीज हो या जो है जर्नलिस्टों को या साहबियों को कोई मदद या इमदाद नहीं उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपका एसोसिएशन जो काम करा ऐसे ही कई एक शहर हैदराबाद में दूसरे एसोसिएशन भी आपकी पहली या आपकी इतवा में ऐसा काम करना चाहिए? अब देखिए ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का इसके पहले एक इजलास मुलाकात करे थे हम लोग, उसमें ये ऐलान करे थे कि हम लोग ये दवाखाने के लिए कार्ड इशू करेंगे जो लोग भी ज़रूरतमंद है, तो वो हमारे बयान को देखकर एक एसोसिएशन और कोई है यहाँ पे चल रही वो तो कुछ थोड़े दिन पहले वो लोग इस तरफ राखिब हुए और उन्होंने भी इस तरफ जो सो अपनी दिलचस्पी बताकर 20% के लिए काम करें। चलो अच्छी बात है, हम बोले हम रास्ता बताए अल्लाह के फौज से वो नेक काम है उसको कोई और अडॉप्ट कर रहा तो और भी कोई जितने एसोसिएशन है हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप भी इस मामले में आगे बढ़िए क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हो सकता ना काफी हो, जितने लोग जुड़ सकते हैं करिए और पूरा ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाइए क्योंकि साहब भी बहुत मुतासिर है सारे यहाँ पे लोग जो है अवाम खासतौर पर जो बिछड़े हुए तबकात है अखिलियतें हैं मुसलमान हैं बहुत माशी तौर पर बहुत ही पसमानदा हो चुके हैं, उसमें सहाफियों को तो कोई मदद नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती, खाली खबरों की जो सो इरसाल के लिए उनके पास आते हैं मगर उनको क्या ज़रूरत है नथिंग। तो हम लोग अपने तौर पे हम बोले अब हुकूमत से हम कब तक गुहार लगाते रहेंगे, कब तक रोना बेवाओं का रोना लेंगे, हम खुद अपने तौर पे एसोसिएशन के तौर पे ये काम किए, इसके पहले भी काम किए थे समाजी बुराई के खात्मे के लिए, ये इमदाद के लिए भी हम अपने तौर पर बैठ के काम किए और आगे भी हम हुकूमत से भी कर रहे हैं कि आप देखिए आप हमारे महदूद वसाइल के जरिए भी हम ये काम कर रहे हैं, आपके पास तो ज़्यादा वसाइल है आप आवाम से वोट लेते हैं टिकट मुंतखब होते हैं मज़े करते हैं उनके भी तकालीफ का ख्याल कीजिए। सर आपने जिक्र किया कि महदूद वसाइल ये काबिल तहसीन है कि महदूद वसाइल के तौर पर आपका एसोसिएशन एक ग्राम का खिदमत अंजाम दे रहा है और खासतौर पर जो समाजी कारकुन है उनके लिए जद्दोजहद करते हैं जानों की कुर्बानी की उनके लिए हर साल आप लोग एक मेमोरियल प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप लोग जो सहाफियों के लिए इतना काम करते हैं तो पुराने जो सहाफी है खिदमत करते हुए अपने जानों का नजराना पेश करके उन सहाफियों के लिए भी कोई आप प्रोग्राम में आपकी कोई जगह दी जाए? यकीनन देखिए आप ये प्रोग्राम सहाफियों का ही है, ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन सहाफियों के ऑर्गेनाइजेशन है और हम वो काम करें जो आज़ादी के बाद कोई एसोसिएशन कोई जमात किसी भी शाख ने नहीं किया, वो काम करे जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी उनको भुला चुके सारे लोग अवाम भुला दिए सरकारें भुला दी, जो लोग अपनी जानों की कुर्बानी नौजवान ही में वो अपनी जान को कुर्बान कर दिए शहीद भगत सिंह शहीद अशफाकुल्ला खान कई ऐसे जो सो लोग है उलमाए दीन तो सारे लोगों को भुला दिए मजे कर रहे। आपका एसोसिएशन हमेशा से ऐसे जहदकारों को और जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए जानों का नजराना पेश कर उनके लिए आप यकीनन वीरान का खिदमत अंजाम देते हैं आपका एसोसिएशन, मेरा सवाल ये है कि क्या आप सहाफियों को भी काजी अकीदत ऐसे मौकों पर पेश करें? यकीनन जो सहाफी अब देखिए कई सहाफी है हिंदुस्तान लेवल पे रियासती लेवल पे शहरी लेवल पे दुनिया के लेवल पे भी लोग अपनी रिपोर्टिंग करते वक्त ऐसे बिल्कुल खतरों में जाकर अपनी जान को जान की बाजी लगा के ख़त्म हो गए, उन्होंने अपने प्रोफेशन के लिए जान दे दिया जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए जान दे दिया रिपोर्टिंग करने गए वो लोग तो उनको तो हम भूल ही नहीं सकते, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ करने का बराबर बात करेंगे क्योंकि हम जो सब
शहीदों के लिए करे थे, देश के लिए, तो सहाफत में भी जिन्होंने कुर्बानी दे दी है वो भी शहीद है, बहुत बड़ा उनका भी दर्जा है शहादत के लिए, क्योंकि वो आवाम के लिए शहादत शहीद हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, और ये रिपोर्टिंग को सरकार तक पहुंचाने के लिए, दुनिया के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो इसको भी हम बराबर मद्देनजर रखेंगे और इस ताल्लुक से भी उनके लिए भी बराबर काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे।